आज 1100 का इनकम हुआ है। अभी चाची को दिए 3 किलो 180 का दाम से देंगे। शाम को सब्जी सस्ता हो जाता है। स्वागत करते फिर से एक नए ब्लॉग्स में। अभी मार्केट जाने के लिए हम निकल गए घर से और कल का एक कैट अनार बचा हुआ था। फिलहाल मार्केट जाएंगे, जाके दुकान खोलते हैं और कैसा माल बेचता है चलिए चल के देखते हैं। पहुंच गया अनार मार्केट। देखिए फल मार्केट अभी पहुंचे। ये तो अनार है आज महाजन का, छोटा साइज है, बड़ा साइज है ही नहीं। और ये देखिए इधर रखा हुआ है, देखते हैं। नहीं, 2 ठो लेंगे, कल का एक बचा हुआ है और बाद में 2 ठो अभी लेंगे। हाँ ठीक है, दो लोड करो, दो उसमें दो, बादल चेरा का बहन में दो, तू बोलिए। एक तो इसका कितना वजन है, इसका भी करके दिए दिखाइए। लेबर भाई करेगा या एक तो ये ले लेंगे, खुला ठो ले लेंगे। ये कैसे खोल के थोड़ा दिखाएगा। हाँ ये बड़ा साइज है इसको, इधर ले इधर नहीं, ज़्यादा नहीं लेना आज ना, 2 ठो काफ़ी है। क्या दाना ले करके चलिए लोड कीजिए। हाँ चलिए हो चाचा, अब ले ली चुके हैं अनार, अब जाएगा दुकान खोलेंगे। रखिए यहाँ पर 2 कैरेट अनार लिए, आ चुका है मेरा अनार। यहाँ रखिए, वहाँ पर अभी लगाए ना, ज़्यादा नहीं लिए, 2 कैरेट लिए आज का बेचने लायक। देखिए बाजार का अवस्था, अभी 8 बजे सुबह का नज़ारा। आइए आप थोड़ा देर बाद, मेरा अनार है और मेरा पड़ोसी भी अनार लेके आया है, देख सकते हो उसका अनार भी है। यहाँ पर 6 कैरेट लेके आ गया आज अनार, उसका अनार मेरा अनार में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि उसका थोड़ा महंगा वाला होगा, मेरा ये तो कम दम वाला है, इसलिए देखते हैं क्या है। 1-2 कैरेट लाएँ, 1 कैरेट और बचा हुआ गोदाम में, तो टोटल 3 कैरेट हुआ। आई तो 2800 रुपया कैरेट, 2 कैरेट लेके आए 2800 रुपया करके, और प्लस 1 कैरेट वहाँ पर है, तो देखते हैं कितना मुनाफा होता है पूरा अनार 3 कैरेट अनार बेच करके। बने रहे आप वीडियो पे एंड तक। मन निकाल चुके हैं, देख सकते हैं अपना कैरेट वेरे टोकरी सब, और उसका खोलते हैं दुकान स्टार्ट करते हैं। बोनी बट्टा हुआ नहीं कुछ अभी, यही अनार है। तो भाई ये दुकान वन खोल चुके हैं और अभी चाची को दिए 3 किलो 180 का दाम से। देखिए पैसा दे रहा है और कस्टमर को बोले 140, वो सब छोटा वाला होगा भाई। 3 किलो दिए इसको 180 का भाव, कल बेचे ये ना 200 रुपया, आज 20 रुपया घट गया बाजार। अब बोनी की अभी फिलहाल पूरा दिन देखते कैसा जाता है, देख सकते हैं बाजार का पोजिशन कुछ ऐसा दिख रहा है। चाची पैसा दे रहा है, अभी 500 रुपया इधर रख ले। तो गाइस अभी तो पड़का हो गया 11 और सुबह से अनार, आज को खास मार्केटिंग है नहीं, कस्टमर है नहीं, 2 कैरेट अनार लेके आए आज। आज कल का बचा हुआ था 1 कैरेट, 3 कैरेट टोटल ढाल दे नहीं, थोड़ा सा बचा हुआ है अभी कैरेट में, और यहाँ लगभग 2.5 कैरेट अनार ढाले हैं सुबह से, और कोई खास बिक्री है नहीं। सुबह से बेचे लगभग 1000 रुपया दुकानदारी की है, और 6-7 हज़ार का मेरा पास अनार है। तो देखते पूरा अनार सेल होता है नहीं होता है तो भगवान जाने। और पूरा बोल दे रहा बना लीजिएगा क्या, 200 बेचते 180 200 का बेदाना। हाँ बेदाना विटामिन पावर 1 किलो। जाल पैदा हो पूरा लाल के और बता दे सब पड़ा सब पड़ा यार बोलो जे फोकट बिना दे। हेलो नी आवाज टाइम हो चुका है अभी 4 और मेरा इतना अनार बचा हुआ है, क्या करेंगे, बिक्री होता है नहीं। लिए भैया 200 कर देंगे, लिए 180 कर देंगे, फिर भी लेने के लिए तैयार नहीं कस्टमर, क्या कर सकते, बिक्री नहीं है। सुबह से जो 2 कैरेट आज खरीदे हैं तो 1 कैरेट से कम कल का बचा हुआ था, अभी इतना ही बचा हुआ है, नहीं खाएगा इसको। अच्छा इसको यहाँ रख देते हैं, कोई बात नहीं। तुम अभी खाए था, कौन दिया था तुमको जो खाया था, हम कहाँ दिए थे तुम, डोमा दिया था। और ठीक है तो दोस्तों क्या कर सकते, बिक्री उठा है नहीं अभी, और पूरा दिन आज सेलिंग हुआ नहीं, कोई खास दुकानदारी हुआ नहीं, और कस्टमर आता है पूछ के भाग जाता है, और देखते शाम तो पुराना सेल हो पाता है या नहीं। बोले बनाना 200 नहीं, 200 रुपया भी नहीं लेगा, क्या कर सकते, किसको किसको बोलेंगे यार, कोई तो लेने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा, मूड खराब हो गया बैठे बैठे। आज पड़ोसी को सेल करने के लिए देते हैं,
की लगे तो गन्ना का जूस पिलाए तो इसको पैसा देना होगा। खुला है देखते हैं, 50 का 220 रुपये के लिए लिया आपको 100-200 लगा उससे कम नहीं दे पाए। कितना दें? 220 220 का बेदाना 200 पे दिए, 90 टका कर दें, 190 टका कर दें। पूरा लाल हो गया एकदम, थोड़ा मीठा दाना हो। बोलिए चाचा, 200 का बेदाना 190 सीधा एकदम लास्ट बड़ा वाला है, दाना मोटा होगा मीठा होगा। बोलिए चाचा, अरे लीजिएगा क्या? पूरा लाल दाना मीठा दाना सस्ता वाला एकदम लीजिएगा, 180 लेंगे लिए और 10 टका कम कर दें। बड़ा साइज है मीठा होगा पूरा, 180 कर देंगे लिए। अभी भाग जाता है दाम सुनकर, 180 में भी नहीं लेना चाहता। और देखते हैं क्या होता है, एक अंकल जो है लेगा कि नहीं। सर नहीं लेगा मेरे, शाम का हो गया 6 और मेरा इतना अनार बच गया। सुबह 3 गेट अनार खोले थे, लगभग 1 गेट अनार होगा ही यहाँ पर। अब महाजन को पेमेंट करना होगा आज क्लियर। एक तो अनार, एक तो दागी है और उसका अनार देखिए, 2 क्वालिटी का, मेरा एक ही क्वालिटी का अनार है। अब बाजार का पोजिशन देखिए, अभी ऐसा है कुछ देख सकते हैं क्या होता है, देखते हैं। थोड़ा टाइम और रुकेंगे, पुराना ख़त्म होता है नहीं होता भगवान ही जाने। कस्टमर सब आ रहा है जा रहा है, अब दाम पूछ के भाग रहा है। 200 का बेदाना 180, आओ आओ भाई आओ आओ। 120 का माल 170, वो लाल शर्ट वहाँ चला गया, मेरा पास नहीं लिया, देख सकते हैं वहाँ जाके ले रहा है लाल शर्ट। तो मेरा इतना अनार रह गया, आप क्या करें, समेटते हैं। 3 गेट अनार खुले थे, इतना अनार बच गया। अब बाजार अभी उठ गया, संपूर्ण समेट लिए फिलहाल। मेरे भाई को क्रेडिट सब दे दिए, अभी जा रहे हैं घर। देखिए मार्केट धीरे धीरे और सब समेट रहा है, बाजार से आदमी सब रिटर्न जा रहा है घर। अपना सब सामान अंदर कर चुके हैं, अब फिलहाल चलते हैं घर। घर जाके हिसाब करेंगे जो कितना दुकानदार की, ये देख सकते हैं बाहर का नज़ारा दिखाते हैं हम आपको अभी। इधर का सब्जी वाला यहाँ पर बैठता है, लोग सब्जी क्या दाम बेचता है, टमाटर पता नहीं। और इधर देखिए पूरा शाम का नज़ारा दिखाते हैं आपको, देख सकते हैं इधर पूरा मार्केट हो रहा है। शाम को सब्जी सस्ता हो जाता है एकदम, आलू प्याज जो भी लीजिए, सर जो छाँट उठ बचता है कम दाम में दे देता है। तो देखिए इधर का नज़ारा पूरा, आज 1100 का इनकम हुआ है। तो 2 गेट अना लिए थे सुबह जा करके, और कल का बचा हुआ था, तो कल का जितना बचा हुआ उतना आज भी बच गया। पूरा अनार सेल हुआ नहीं, सोचे पूरा अनार अगर सेल होता तो 2,000-2,500 रुपया कमाई हो जाता, मगर हुआ नहीं, क्या करें। तो टोटल मेरा हाथ में माजन उजन को दे करके हैं 1100 रुपया बचा हुआ। देखिए एक तो 500 का नोट है और 2 है आपका 200 का नोट और 100 का नोट। टोटल 1100 रुपया आज का समझे मेरा कमाई हुआ, प्लस 13-14 किलो अनार बचा हुआ। तो टोटल अनार बिकता तो 2000 रुपया, 2,000-2,500 रुपया कमाई हो जाता, तो बिका नहीं। और देखते हैं कल अनार लेंगे मिला जुला करके, उठो मिला के बेचेंगे। अब क्या कर सकते, हर रोज़ सोचते अनार बच जाता है, मगर सोचते बिक जाता है, मगर बच जाता है, क्या करें। आप कस्टमर का ऊपर डिपेंड करता है, मेरा हाथ में है नहीं। और आज सेलिंग किए टोटल कितना, 6,600 रुपया के, यानी 6,600 का सेलिंग किए, जिसमें से 5,500 रुपया महाजन को दिए हैं, देव करके 1100 रुपया मेरा हाथ में बचा और 13-14 किलो अनार बचा हुआ। कल लेंगे और उसमें मिलावट करके बेचेंगे, और कितना कमाया होता तो कल का बाजार में बताएंगे। फिलहाल आज समझ सकते हैं एक दिन का तो मेरा 1100 रुपया कमाया हुआ। मेरा बगल में पड़ोसी का दिन नहीं था, फिर भी आ गया वो। आज जो मसला वाला लगा था उसका आई के अंदर रिश्तेदार का शादी था, इसलिए वो शादी में चला गया था। कोई बात नहीं, होता ऐसा, और देखते क्या होता है कल, अब मार्केट कैसा रहता है वो कल ही पता चले। तो दोस्तों आज का छोटा सा ब्लॉग था, और आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया। तो मिलते हैं कल का ब्लॉग में, तब तक जय हिंद।